बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने लगे हैं अचार गोश्त। चले मैं आपको रेसिपी बताने लगी होंगी। 2 स्पून के करीब मैंने साबुत धनिया लिया है और 1 स्पून मैंने जीरा लिया, 1 स्पून मैंने सौंफ लिया। इनको कुचल लेंगे अच्छे से। 3 अदक मैंने इसमें टमाटर लिया, आधा किलो चिकन ले लिएगी और आधे कप से थोड़ा कम मैंने जो है दही ले लिया है और 3-4 हरी मिर्चें ले ली आपके सामने रखी हुई हैंगी हरी मिर्चें। अब इन मसालों को मैंने कुचल लिया है और इसके अंदर मैं नमक डालूंगी। ये भर के जो है मैंने इसके अंदर धनिया डाला है, 1 स्पून बड़ा स्पून ले लिया, भर के मैंने इसके अंदर धनिया डाला। धनिया मैंने साबुत भी पीसा है और भर के मैंने पिसा हुआ धनिया भी डाला है। और जो ये मैंने पीसा है ना उसको मैंने कुचला है, पीसा बिल्कुल नहीं है। आधा स्पून मैंने इसके अंदर कुटी मिर्ची डाली, आधा स्पून मैंने हल्दी डाली, आधा स्पून ठीक है, आधी स्पून जो है कुटी हुई मिर्ची डाली, आधा स्पून जो है हल्दी डाली और आधा ही स्पून अब मैं इसके अंदर पिसी हुई मिर्ची डालूंगी। आप मिर्च कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर लें। थोड़ा स्पाइसी इसमें मैंने यूँ ज़्यादा डाला है क्योंकि टमाटर भी हैं। ये गरम मसाला डाला मैंने अभी, पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है। आप देखो रई के दाने जो होते हैं ना, रई अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप नहीं डालेगा, लेकिन जो रई होती है ना बारीक बारीक सरसों के बीच, वो डालें। और चुटकी भर सिर्फ मैंने कलौंजी ली, चुटकी भर मैंने रई ली। अब मेथी दाना मेरे पास नहीं था, कोई मसला नहीं है, जो चीज़ नहीं है तो नहीं सही हैगी, लेकिन अचार गोश्त हमारा वैसे ही VIP सा बनेगा जैसे हम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, अदरक लहसुन मैंने टमाटर पेस्ट करके ही डाल दिए थे, जब मैं टमाटर को पीस रही थी उसके अंदर ही मैंने अदरक लहसुन भी पीस लिया। 3 अदद मेरे इसमें टमाटर पेस्ट लिया, ये देख लें मेरे टमाटर पेस्ट नज़र आ रहे होंगे आपको। ये आधा किलो चिकन है मेरी, ऑयल के अंदर चिकन डाली मैंने, कोई ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस जस्ट थोड़ी सी उलट पलट करके हमने इसके अंदर टमाटर पेस्ट डाले। टमाटर पेस्ट के अंदर ही मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट डला हुआ है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून अदरक लहसुन लगा लें, 1 स्पून जो है लहसुन लगा लें, दोनों मिला के 1 स्पून। और 3 अदद मेरे टमाटर थे, लेकिन टमाटर मेरे बर दरमियाने किस्म के थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। अब सिर्फ मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन टमाटर और चिकन डालिएगी। अब ये हल्के हल्के खुद भुनती रहेगी, चिकन भी गल जाएगी। ये मेरी हरी मिर्चें कुछ, और ये तमाम मसाला मैंने आपके सामने बनाया है। यार इन हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, इनमें नींबू भी भरते हैं, नींबू भी लगाते हैं, लेकिन मैंने नींबू नहीं लगाया मिर्चों में क्योंकि ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं, तो मेरे मियाँ को बिल्कुल खटास पसंद नहीं है, क्योंकि दही भी डाल ली हूँ नम और टमाटर भी डाल दी, वैसे ही अच्छा खासा खट्टा हो जाएगा इसमें ना। कि देखिए मैंने मिर्ची आपके सामने भर दी तमाम, 5-6 मिर्ची काफ़ी रहेंगी हमारे लिए। भरी हुई मिर्ची जो हम डाल के खाएंगे ना सालन में, इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि मैंने मुझे बहुत पसंद आती है और मैं दिल चाहता है सारी मिर्ची मैं खुद ही खा लूँ। कलौंजी और रई जो है ना, इसका टेस्ट ही ज़रा मज़े का आ जाता है। कलौंजी डली हुई है, रई डली हुई है, सौंफ डली हुई है, बहुत मज़ेदार जो है हमारा अचार गोश्त बनने वाला है। और विदाउट बाहर के मसाले से, घर के ही मसालों से बहुत अच्छा सा बनेगा। ये देखें, ये मेरे टमाटर चिकन और अदरक लहसुन मैंने छोड़ दी थी ताकि अच्छे से खुद ही भुन जाए चिकन हमारी, हमें ज़्यादा इसमें भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से खुद ही चिकन भुन जाएगी हमारी। टमाटर पेस्ट में जो है काफ़ी जो है यार पानी होता है। अब इसके अंदर जो मैंने 1 प्याली से कम दही लिया था वो भी डालूंगी।
दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, मेरा दही थोड़ा ज़्यादा ही खट्टा था, लेकिन अचार गोश्त में ज़्यादा खट्टा चल जाता है। लेकिन नोट करिए कुछ ज़्यादा खट्टा नहीं हो, जो ज़्यादा ही खाने में जो है खटासपन आए, और लोग इग्नोर करते हैं ज़्यादा खटास खाने को। ये देखें, इसके अंदर टमाटर डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर के अंदर ही जो मैंने पीस लिया था वो डाला हुआ, और दही डाला हुआ है, बस कुछ भी नहीं डाला हुआ है। बहुत मज़ेदार स्पाइसी सा हमारा अचार गोश्त बनकर तैयार होगा। ये देखिए मिर्चें मैंने इसके अंदर भर ली थी, पानी खुशक होने के बाद, जब हमें लगे पानी बिल्कुल खुशक होने वाला है, बिल्कुल खुशक पानी में नहीं, जब हमें लगे ना इसके अंदर पानी खुशक होने वाला है और अब सालन हमारा भुनने वाला है, जब हमने इसके अंदर मसाला ऐड करना है गाइस, ठीक है, ना जल्दी में करना है ना बिल्कुल एंड में करना है, लेकिन दरमियाने किस्म में करना है कि जब हमें लगे हमारे सालन भुनने वाला है। देख ले, सिर्फ मैंने मसाला डाला और इतना प्यारा कलर आया है इसका, और साथ में खुशबू भी आ रही है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है कि यकीन माने बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और सारे से इसमें डाला हुआ ये भुनने को तैयार है हमारा। लोगों को लगता होगा यार कि भाई घर का मसाले के कैसे बनाए, प्लीज एक बार जरूर ट्राई करेगा ये मेरे मसालों से, बहुत मज़ेदार ये बनता हैगा, और घर की ही चीज़ों से बन के तैयार हो जाता, और हमें क्या चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से भुन चुका हैगा, आपको खुद नज़र आ रहा होगा ऑयल इसके अंदर कितना है। ये देखिए मिर्ची का मसाला इस मिर्चों में भरा हुआ है, इसका भी टेस्ट बहुत मज़े का होता है मिर्चों का। ये देखिए ऑयल कितना बाहर आ गया है, बस अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ये धनिया डाला मैंने, थोड़ा सा इसमें पानी डालना क्योंकि ज़्यादा वाला भुना हुआ अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा शुरुआत हो तो फिर अच्छा लगेगा, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा अचार गोश बन के तैयार हो चुका हैगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार हमारा अचार गोश बन के तैयार हुआ। प्लीज़ आप लोग मेरी ये रेसिपी ट्राई करिएगा, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब हम ये खाने लगे हैं, टेस्ट करने लगे हैं। चले मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे, ये मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने खाया। चले अल्लाह हाफिज़।